तो आज के इस वीडियो में जो आप लोगों को पहला सीन हम दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये सीन जो है इकोना बाईपास का सीन है। यहाँ का जो सीन है आप कभी भी देखोगे, एनी टाइम कभी भी, ऐसा ही हमेशा चमकता रहेगा। तो यहाँ पे और भी कई फेमस सीन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे है नानू मिष्ठान, और यहाँ पे देख सकते हो आनंद हॉस्पिटल, और यहाँ पे यादव होटल। अगर हम सामने की ही बात करें तो सामने यहाँ पे श्याम कॉम्प्लेक्स और TVS का शोरूम। तो यहाँ पे आप एक डिटेल्स देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बहराइच। बहराइच मतलब जो है आप यहाँ से सीधे जर्नी कर सकते हो बहराइच का, और इकोना जो है यहाँ से, इकोना आप देख सकते हो, इकोना जो है यही इकोना है। तो यहाँ भी हम जो है बाईपास वाले रोड पे एकदम जस्ट खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सीन और है जो सब सीनों से ज़्यादा फेमस है, इसका नाम है भाई जगतजीत इंटर कॉलेज। ये जो है इकोना के अंदर और श्रावस्ती ज़िले का सबसे फेमस कॉलेज है। तो अभी हम पर्सनल जा रहे हैं बहराइच, और बहराइच के हमने भाई कई ब्लॉग बनाए हैं, आप लोगों ने बारी बारी करके बहुत सारे ब्लॉग बहराइच के हमारे देखे होंगे। तो फिलहाल आज जा रहा हूँ बहराइच, और आज हमने सोचा यही कि इकोना से लगा के बहराइच तक का एक कंप्लीट जर्नी कर लें, क्योंकि अभी तक जो है कंप्लीट जर्नी हमारी बिल्कुल नहीं हुई है। तो इस रोड पे अच्छे ढाबे भी मिल जाएंगे खाना खाने के लिए, बहुत सारी गाड़ी भी मिल जाएगी आप लोगों को, चलते दिख जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिले हैं, जहाँ इस डिटेल्स में आप लोगों को कई जगहों की दूरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा ये तिराहा आप लोग दिख रहा है मार्केट जैसा। तो ये जो मार्केट है ये मोहनीपुर है, और यहाँ मोहनीपुर से इकोना की दूरी 3 किलोमीटर पड़ती है, मतलब इकोना से अभी हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं। तो मोहनीपुर में पेट्रोल पंप भी मिलेगा भाई, और इस तरह से भट्टे भी दिखेंगे, भट्टे मिलेंगे। तो ये भट्टे जो हैं बड़े फेमस हैं इधर के भाई। अभी करीब यही मान के चलो कि 5 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है अभी, और मोहनीपुर से निकलने के बाद में यहाँ पे जो मोड़ दिख रहा है ना, ये मोड़ ऐसे सड़क जो मुड़ी हुई है आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा गौर से भाई गाड़ी चलाना। इस रोड पे मोहनीपुर से और सीता द्वार के बीच में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, क्योंकि हमेशा कभी ना कभी सुनने में यही मिलता रहता है कि भाई इस रोड पर जो है यहाँ पर एक फोर व्हीलर वाहन जो है टकरा गई, कोई पशुओं से टकरा गया, तो कोई इस मोड़ पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया, नीचे गाड़ी लेकर चला गया। तो ऐसी मतलब कंडीशन इस रोड पे मिलती रहती है। तो अभी हम आ गए हैं भाई सीता द्वार, और यहाँ पे सीता द्वार का मेन गेट देख सकते हो, इधर से एंट्री लेके अंदर मेले में प्रवेश होता है। और सीता द्वार जो है भाई 5 दिन का मेला लगता है, और यहाँ पे ये सब पूरा भीड़ से खचाखच जो है भरा होता है, इतना विशाल मेला यहाँ पे लगता है। ओह, ये जगह जो है बहुत ही फेमस है श्रावस्ती के अंदर, ये जगह बगल में धर्मकांटा मिलेगा, और इसके जो है सामने की तरफ आप देख सकते हो इधर सब पूरा स्टैंड होता है भाई, साइकिल का स्टैंड, मोटरसाइकिल का स्टैंड, सब पूरा फील्ड जो पड़ा है ना पूरा सब मेले से भरा होता है। तो यहाँ पे एक डिटेल्स देख लो आप लोग भाई, यहाँ पे ये डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, सीता द्वार मंदिर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, और आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ से जो है 500 मीटर पड़ेगा भाई। एक बात यहाँ की और बढ़िया है, जो छोटे छोटे ये बस अड्डे आप लोगों को इस रोड पे मिलती रहेंगी भाई। तो एक डिटेल्स और दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ से जो है लखीमपुर की दूरी जो है 148 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, और बहराइच जो है यहाँ से 29 किलोमीटर दिखाया जा रहा है। तो अभी हमने सीता द्वार क्रॉस कर लिया है, और सीता द्वार जैसे ही क्रॉस करते हो इधर पास में ही करीब मान के चलो 500 मीटर की दूरी पर एक परसौरा मार्केट पड़ेगा इसी रोड पे, छोटा सा ये मार्केट है, तो इसको भी दिखाते हैं, उसके बाद में यहाँ से फिर आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप छोटा सा जो मार्केट हमने बताया था परसौरा मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से है भाई, और ये मार्केट जो है सड़क के देखो एकदम अगल बगल बना हुआ है, सड़क के दोनों बगल दुकानें मिल जाएंगे आप लोगों को इस तरह से भाई।
अब नंबर आता है सेमगढ़ा मोड़ का। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मोड़ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है सेमगढ़ा मोड़ के नाम से, क्योंकि इस मोड़ को सेमगढ़ा मोड़ कहते हैं। यहाँ से जो है सेमगढ़ा जाने का रास्ता भी है। तो यहाँ पे जो ये मोड़ है बहुत फेमस है भाई। तो ये देखो माली बाबा का एक फूल का बगीचा मिलेगा। ये देखो बगीचा कुछ इस तरह से है। ये बगीचा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से लगा के इतना सा है, और इसमें जो है गुलाब के फूल इस समय ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा लगे हैं। एक तालाब मिला है भाई सौंदर्यीकरण इस तरह से। एक छोटी सी कुट्टी भी है इधर साइड में। तो अभी करीब हम किकौना से 19 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, और अभी जो है हम आ गए हैं गिलौला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गिलौला मार्केट है कुछ इस तरह से। ये मार्केट जो है बिल्कुल, अब ये मान लो कि बहराइच से और किकौना के बीच में पड़ता है। इधर का डिटेल्स आपको दिखाते हैं। ये खुटेहना रोड है भाई, तो इस पर डिटेल्स यही है। आप यहाँ से देख सकते हो खुटेहना 12 किलोमीटर, हुजूरपुर 27 किलोमीटर, पयागपुर 21 किलोमीटर, गोंडा 57 किलोमीटर, लखनऊ 134 किलोमीटर, अयोध्या 107 किलोमीटर। ये डिटेल्स है यहाँ के भाई। ये खुटेहना रोड है, और इस रोड पे आप देख सकते हो कि पुलिस बैरियर लगा रहता है। देख सकते हो इस तरह से इधर रास्ता थोड़ा सा छूटा होता है और इधर बैक साइड में थोड़ा सा छूटा होता है। बाकी इस तरह से तो मार्केट है आप देख सकते हो। तो जैसे ही गिलौला को क्रॉस करते हैं तो ये भिनगा मोड़ पड़ता है। ये रास्ता जो दिख रहा है ये सीधे भिनगा को गया हुआ है। तो ये देखो भाई बढ़िया सा मस्त लोकेशन, और नहर में देखो भाई पानी क्या मस्त दबा के निकल रहा है ज़बरदस्त। बहराइच अभी 21 किलोमीटर और बचा है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ मिलेगा एक बड़ा सा राइस मिल, आप यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा सा राइस मिल भाई। तो ये राइस मिल जो है यहाँ जो हाईवे है ना, हाईवे के बिल्कुल जस्ट बगल में ही पड़ जाएगा। राइस मिल जो है काफ़ी धांसू लग रहा है इधर से। और इन सड़कों की सबसे अच्छी बात, यहाँ देखो छोटे छोटे जो बस अड्डे बने हैं ये सबसे बढ़िया बात है। और इस पे बैठने का जगह भी बनाया गया है, चाहे तो आप बैठ के बस का इंतज़ार कर सकते हो, किसी प्राइवेट वाहन का भी इंतज़ार कर सकते हो, अगर आपको रास्ते में रेस्ट लेना है रेस्ट ले सकते हो, तो यहाँ रुक के बढ़िया आराम से रेस्ट ले सकते हो। ये व्यवस्थाएं हैं, इन छोटे बस अड्डों से ये व्यवस्थाएं मिल जाती है। देखो भाई गाड़ी किस तरह से अच्छी लग रही है यहाँ बैठ के देखने से। ये रोड है हाईवे रोड है, देखो बलरामपुर टू बहराइच हाईवे रोड। यहाँ पे थोड़ा चौड़ा बनाया गया है, आगे यहीं पे एक बॉर्डर बनाई गई थी जब कोरोना काल चल रहा था, तो यहाँ पे बॉर्डर था सील था। तो मेरे हिसाब से इधर जो है यहाँ से इधर का एरिया जो है श्रावस्ती में, और यहाँ से आगे का जितना एरिया है सब बहराइच में लगेगा। तो ज़िले के लास्ट छोर पे बॉर्डर बनाया जाता है, तो ऐसे ही बॉर्डर यहाँ पर था कोरोना काल में। यहाँ पर परमिशन ले कर आगे जाना पड़ता था जब भी बहराइच जाते थे या फिर कोई भी जाता था XYZ ऐसा था, तो यहाँ पे बॉर्डर था। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई। तो अब यही कहूँगा भाई कि गिलौला निकलते निकलते हालत हमारी जो है खस्ता हो गई, ख़राब हो गई, क्योंकि जब घर से निकले थे माहौल इतना अच्छा था, इतना ज़बरदस्त माहौल था कि क्या बताया। ज़बरदस्त माहौल यही था कि धूप ज़रा सा भी नहीं था, बादल वाले मौसम थे बढ़िया ठंडा ठंडा। तो आज हमारी जर्नी थी बहराइच की, तो हमने सोचा कि एक ब्लॉग जो है किकौना से बहराइच का बना लेते हैं, क्योंकि किकौना से बहराइच का ब्लॉग जो है कभी हमने नहीं बिल्कुल कंप्लीट जर्नी नहीं दिखाया आप लोगों को। तो अभी जो है भाई धूप जो है बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस समय इस टाइम पर, तो धूप के कारण से भाई हालत हमारी जो है एकदम खस्ता हो गई कि इस वाले महीने का जो धूप होता है, इस समय का जो धूप होता है
बहुत जबरदस्त होता है। तो अगर हम इधर खेतों की बात कर लें भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मस्त धान की खेती लगी है, और यहाँ पे जो है दूर दूर तक गन्ना देखने को बहुत ही कम मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा गन्ना दिखा है, इधर ये थोड़ा सा गन्ना का खेती दिखा है, और इसके आगे आप देखो थोड़ा सा गन्ना की खेती दिखा है बस। बाकी जितने खेती जो है यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सब धान के खेती दिख रहे हैं। मस्त ग्रीनरी, वाओ क्या बात है, ये है नेचुरल सीन भाई। तो फटाफट से बाकी सीन को भी पूरा कर लेते हैं भाई। तो देखो यहीं तक था श्रावस्ती जिला, अब यहाँ से जो है बहराइच जिला स्टार्ट हो गया है भाई। ये देखो बहराइच जिले में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बहराइच जिले में हमारा फाइनली जो है एंट्री हो चुका है। बहराइच जिले में जो पहला गांव हमें मिला है वो है कमोलिया। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी मंदिर मिल जाएगी और एक विशाल बोर्ड भी मिलेगा इस तरह से भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सड़कों पे थोड़ा सा देखो थोड़ा सा क्रॉस मोड मिलेगा, और इधर का जो लोकेशन है भाई साहब बड़ा मस्त लगेगा आप लोगों को। इधर का लोकेशन देखो, इधर तो सब पानी पानी ही दिखेगा, और यहाँ पे देखो ये तालाब है जो दिख रहा है अभी बगल साइड में, ये तालाब है एक विशाल तालाब बड़ा सा। और इस तालाब में आप किसी भी समय, वैसे अभी तो बरसात चल रहा है तो बरसात में तो फुल पानी, इसमें खेत और तालाब पता नहीं चल रहा कि कौन सा खेत है कौन सा तालाब। पर जब आप अदर मौसम में आओगे, मतलब बिना मौसम के, बिना बरसात वाले मौसम में, तब भी इसमें चाहे थोड़ा सा ही पानी हो पर पानी ज़रूर मिलेगा। ये हल्की हल्की हवा और ठंडे ठंडे मौसम, थोड़ी थोड़ी सुरसुरी वाली हवा। कॉलेज दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है पूरा का पूरा कॉलेज, इसका नाम है श्री राम तेज पांडे इंटर कॉलेज भाई। ये रहा भाई कॉलेज का मेन गेट, कुछ इस तरह से बनाया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा कॉलेज है ये। तो एक छोटा सा मार्केट और पड़ा है जिसका नाम है भाई धरसवा मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से भाई, और धरसवा में एक टावर लगा है भाई, ये देखो BSNL का टावर है, और ये धरसवा की तरह काफ़ी ज़बरदस्त टावर है भाई। और धरसवा में एक ब्रिज है, यहाँ पे ब्रिज आप देख सकते हो इस तरह से है, और इसमें जो है पानी भाई खूब ज़बरदस्त होती है इस वाले सरयू नदी में, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहादुर चक में एक गजब का मंदिर दिखेगा बिल्कुल एकदम, ये देखो सड़क के एकदम जस्ट बगल में ही। और यहाँ पे केले की खेती भी शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पे देखो छोटे छोटे केले की खेती लगी है यहाँ पे, ये देखो केले की खेती है भाई, छोटे छोटे केले भी जो है इसमें लगाए गए हैं इन खेतों में। तो इधर आप अक्सर देखो केले की खेती का एक्सपीरियंस करोगे। देखो इधर बड़े बड़े खेती केले वाले जो है लगे हैं, देखो मेरे भाई एक बढ़िया सा सीन। देखो इन खेतों के बीच में बिल्कुल सड़क के बगल में बना हुआ है, देखो नीलकंठ कैफे एंड रेस्टोरेंट, ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी और भी नाश्ते वगैरह जो है यहाँ पे कर सकते हो। इधर आप देख सकते हो किचन गार्डन इधर उधर साइड में बनाया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे आप रुको और बढ़िया से नाश्ता पानी करो। यहाँ पे देखो ग्रीनरी में एकदम छिपा हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा है बढ़िया से, जब यहाँ पे रुकोगे तब पता चलेगा कि क्या चीज़ है भाई। बगल में ही आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि उद्यान विभाग का जो है यहाँ पे पार्क मिलेगा बढ़िया सा, जिसमें नारियल पेड़ और भी तमाम फूल पौधों का पेड़ काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, बढ़िया से मस्त गार्डन पार्क एक बनाया गया है। तो अब हम लगभग बहराइच के थोड़ा करीब आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखो सासर पारा, एक सासर पारा छोटा सा चौराहा है जहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी। भट्ठा दिखेगा इस तरह से भाई, भट्ठा मिलेगा। तो ये है एक छोटा सा सासर पारा, तो इसे जो है छोटा सा मार्केट कह सकते हो इस तरह से।
और इस सासरपारा में एक गिट्टी फोड़ने पीसने वाली मशीन जो होती है ना, ये देखो प्लांट सड़कों के लिए लगा है। बगल में पेट्रोल पंप मिलेगा, इधर से पूरा प्लांट दिख रहा है, ये देखो कायदे से। तो यहाँ बोर्ड मिला है, यहाँ बोर्ड में आप देख सकते हो कि भाई बहराइच में हमारी जो है अभी एंट्री हो रही है। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो ये मार्केट अंदर जो है बहराइच शहर के अंदर गया है, और दूसरा ये रास्ता जो बाईपास करके आसाम चौराहे को ले जाता है। आसाम चौराहे से भिनका का भी जर्नी आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी आसाम चौराहे से जहाँ मर्जी हो जहाँ आप जा सकते हो, बहराइच अंदर आ भी सकते हो, मतलब आपकी मर्जी। तो ये है कुछ ऐसा लोकेशन, यहाँ का ऐसा सीन भाई। अब एंट्री करते हैं बहराइच शहर में हम। ये देखो बढ़िया मस्त लोकेशन, ये देखो बिल्डिंग है भाई ये, और फील्ड देखो भाई फील्ड, ये देखो ज़बरदस्त। इधर एक मंदिर है ये देखो। ओ अभी हम बहराइच मेन सिटी में एंट्री लेने से पहले आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अब भाई इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो बहराइच है ना, बहराइच ज़िला, पूरे ज़िले की हम बात कर रहे हैं, बहराइच में खतरनाक खूंखार जो भेड़िए हैं ना, इनकी परखो बहुत चल रही है। वैसे हमने तो अभी देखा नहीं भाई अपने आँखों से कि कहाँ पे भेड़िया हैं, आँखों से मतलब देखा नहीं है, तो न्यूज पे देखा या फिर सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। पर ये जो खौफ के ख़तरनाक जो भेड़िए हैं वाकई में मेरे हिसाब से लगता है कि हैं। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो भाई आप लोगों से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सतर्क रहिए, बच्चों को अकेले ना जाने दीजिए, और पूरे परिवार सहित अपना ख्याल रखिए, क्योंकि भाई कभी भी ख़तरनाक जो भेड़िया है किसी से भी मुलाकात हो सकती है, तो हमसे भी आपसे भी, तो इसीलिए हम भी सतर्क रहते हैं, आप लोग भी सतर्क रहिए, सतर्कता में ही भलाई है सबकी। अभी हम बताते हैं आप लोगों को कि ये फील्ड जो आप लोगों ने देखा, ये फील्ड जो है ये पुलिस लाइन का फील्ड है, काफ़ी लंबा चौड़ा। अभी हम हैं बहराइच के मेन शहर में, और ये है अस्पताल चौराहे के बगल में जगह, ये है छोटी सी मंदिर, यहाँ पे आप देख सकते हो, और बैक साइड में अस्पताल चौराहा पड़ेगा। तो अस्पताल चौराहा हमने बहुत बार दिखाया तो मैंने सोचा इस बार ना दिखाते हैं। तो अगर हम ट्रैफिक की बात करें यहाँ बहराइच के अंदर, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक भाई लगा हुआ है बहराइच के अंदर, इस तरह से ट्रैफिक लग जाता है भाई, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। और ये जगह जो आप देख रहे हो अभी, ये अस्पताल गेट है, और अस्पताल गेट के बिल्कुल जस्ट सामने हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पे भी ज़बरदस्त ट्रैफिक जो है चल रहा है।
बहराइच शहर, शहर के बाद में फिर गलियों में भाई घूम रहा हूँ आज। धीरे धीरे शहर से बाहर हो रहे हैं। नमस्कार, वीडियो का दूसरा नहीं बल्कि आज हो गया है भाई तीसरा दिन। अगर हम बहराइच को देखें कि कितना किलोमीटर इकाउना से बहराइच है, तो करीब मान के चलो 42 से 43 किलोमीटर के आसपास इकाउना से बहराइच की जो है जर्नी दूरी पड़ेगी। अगर हम इसे कोसों में मापें तो करीब मान के चलो 14 कोस के आसपास ये जो है दूरी पड़ेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। ये है एक कंप्लीट जर्नी थी इकाउना से बहराइच का, तो हमने सोचा इस बार बनाते हैं भाई, तो बना लिया। आप लोग देखना, बताना आप लोग कि ये वीडियो जो है कैसा लगा आप लोगों को। तो इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करो भाई साहब, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपको सबसे पहले मिले। आप लोग देखो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।